हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 89, और ये मैथ्स वर्कशीट है। और जो ये वर्कशीट है वो है हमारी 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट, ठीक है? तो इसमें जो वर्कशीट है इसे हम ये आपको DOE द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जाती हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आपका जो एजुकेशन है और आपकी स्टडी ख़राब ना हो, इसके लिए एवरी डे आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है और उसे आपको सॉल्व करना होता है। तो उसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वर्कशीट्स आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। तो इस पैटर्न में हम जो वर्कशीट सॉल्व करेंगे वो है टू कंप्लीट एंड एक्सटेंड द गिवन पैटर्न। पैटर्न्स मीन्स होता है सिक्वेंस, मतलब एक चीज़ मैंने अगर ऐसे बनाई है, दूसरी मैंने ऐसे बनाई, तीसरी फिर मैं ऐसे बनाऊंगी, फिर मैं फोर्थ वन सर्कल में, फिर फिफ्थ वन ट्राइंगल में। तो ये होता है हमारा पैटर्न। अगर हम अपने डेली रूटीन की बात करें तो मॉर्निंग में हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, स्कूल चले जाते थे पहले या अब हम क्लास लेते हैं, तो ये हमारा एक पैटर्न है। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसमें पैटर्न्स हमें फाइंड आउट करना है। और नंबर्स का जो सबसे यूजफुल या सबसे इफेक्टिव पैटर्न आपको टेबल में देखने को मिलता है, यानी कि पहाड़ों, जो 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, यानी 2 का टेबल, 4 का टेबल, 8, 15, 30, जिसका भी टेबल, उसमें एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। तो उसी सीक्वेंस को हम पैटर्न कहते हैं, और उसी पैटर्न में ये नंबर्स कुछ दिए गए हैं, हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। संख्याएं ही संख्याएं। रीना और उसकी बहन एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर रही थी। रीना ने एक षटभुज, षटभुज होता है जिसके 6 कोने होते हैं, यानी कि जो हमारा सर्कल होता है उसमें कोई भी कोना नहीं होता है। हमारा रेक्टेंगल या ट्राइंग जो रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है, यानी कि आयत और वर्ग, उसके 4 कोने, ट्राइंगल यानी त्रिभुज के 3 कोने, उसी तरीके से हमारा जो षटभुज होता है उसके 6 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? तो इसी तरीके का ये कुछ पैटर्न बना हुआ है, ये कुछ फिगर बनी हुई है, इसमें उसने कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है? षटभुज बनाकर उसमें कुछ संख्याएं लिख दी। अब रीना ने अपनी बहन से इन संख्याओं के बीच में संबंध ढूंढने के लिए कहा। रीना ने अपनी बहन को संकेत दिया कि जो ये वृत्त बने हुए, यानी कि जो स्क्वायर बने हुए हैं, सॉरी नॉट स्क्वायर, वृत्त होता है सर्कल, जो सर्कल बने हुए हैं, वृत्तों में लिखी संख्याओं का जोड़ उनके बीच बने आयत में लिखी संख्या के बराबर है। यानी कि आयत मतलब ये स्क्वायर और वृत्त मतलब ये सर्कल। इन दोनों सर्कल में जो नंबर लिखे हैं उनका एड यानी प्लस जो है वो इस स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस फॉलो किया गया। आगे पढ़ते हैं। जैसे 12, यानी कि यहाँ पर लिखा है हमारा 12 जमा 6, ये लिखा हमारा 12, ये लिखा हमारा 6, इनको जमा करके बना हमारा 18, 16, 18, ठीक है? और उसके बाद हमारा जैसे 6 जमा 10 यानी 16, ठीक है? ये हमारा सीक्वेंस है। अब हम आगे देखते हैं। दिए गए षटभुज 1 की बाकी संख्याओं में भी पैटर्न ढूंढने में रीना की बहन की मदद कीजिए। अब हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इन्होंने हमें 2 एग्जाम्पल दिए, 10 प्लस 6 16, 8, 6 प्लस 12 18। अब हम और उसकी हेल्प कर सकते हैं। 12 प्लस 2 यानी 12 क्या 13, 14 14, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 10 15 और 10 प्लस 10 20, ठीक है? ये हमारा सीक्वेंस है। अब आगे इसको देखते हैं क्या हुआ है। इसी प्रकार रीना की बहन ने भी 2 षटभुजों में संख्या लिखने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ संख्याएं लिखना भूल गई, ठीक है? इन संख्या षटभुजों को पूरा करने में का प्रयास कीजिए। उसने लिखा पर वो कुछ चीजें भूल गई है, तो हम उसको ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, आइए शुरू करते हैं। जैसा पहला है, उसने पहले बताया जो सर्कल यानी कि जो वृत्तों में संख्या बनी है उसका जोड़ आयत में यानी कि इस स्क्वायर में दिया गया। तो यहां पर तो 25 प्लस 25 50। अब इसने यहां किया 25 प्लस 20, तो हम इसको इस तरीके से लिख के प्लस कर सकते हैं, ठीक है? प्लस 5 प्लस 0 5, यानी कि 5 जमा 0 5, 2 जमा 2 4, तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 45, ठीक है? अगला हम कर सकते हैं 20 जमा 40 20 जमा 40, 0 जमा 0 0, 4 और 2 6, यानी कि 60। सेम यहाँ पर 40 प्लस 20 सेम आया, वो भी 60। अब हमारा है 60 प्लस 20, तो हम लिख सकते हैं 60 प्लस 20 कितना होगा, 0,
और 6 + 2 = 8 यानी कि 80, ये हमारा हो गया 80। अब हमारा है 60 + 25, 60 + 25, 0 + 5 = 5, 6 + 2 = 8 यानी कि 85। तो आपको पैटर्न समझ आया। 25 + 25 = 50, 25 + 20 = 45, 45 के बाद हमारा 20 + 40 = 60, 40 + 20 = 60, 20 + 60 = 80 और 80 + 25 = 85। ठीक है, ये हमने एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। मैं आपको नंबर्स इसमें इजी लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। हमारा क्या है, 25 + 20 = 45, 60, 60 = 80 और 85। ठीक है, अब हम सेकंड ग्रेड पूरी करते हैं। यहाँ पर जैसे वो काफ़ी कुछ लिखना भूल गई है ना, अब वो सर्कल में ही नंबर लिखना भूल गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करके सर्कल वाला नंबर निकाल लेंगे। कैसे, अब देखिए स्क्वायर हमारा जो ये आयत बना है इसमें कितना लिखा है, 14। उसका हमें पता है, ये प्लस इनको प्लस करेंगे तो ये नंबर आएगा, है ना, इसे प्लस करेंगे, हमें ये पता था, इन्हें प्लस करने पर ये नंबर आता है ना, फिर इन्हें प्लस करने पर ये नंबर, इन्हें प्लस करने पर यहाँ पर नंबर, और इसे प्लस करने पर यहाँ पर, और लास्ट में ये वाला सर्कल आता हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 14 और एक सर्कल में लिखा है 4, तो इसको हम 4 माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास कितना बचता है, 10। इट मीन्स इस सर्कल में 10 नंबर आना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, इसमें 10 नंबर आना चाहिए था, 10। ठीक है, अब हमारे पास इसमें, इस स्क्वायर में 15 है और यहाँ पर 5 है, तो ये हमारा बन गया ना 10 + 5 = 15। अब 5 + 11 = 16 हो गया, हो गया ना। अब हमारे पास जो नंबर है वो है यहाँ पर, अब हम इसको करते हैं, 6 + 4 = 10। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आया है 6 - 20 यानी कि कितना आना चाहिए, 14। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, 14 + 11 कितना बनता है, 25। समझ आया, हम शुरू करते हैं। 14 में से 4 माइनस किया, आया नंबर 10। फिर हम करेंगे 4 + 6 यानी 10, यहाँ से फिर हम लेंगे 20 - 6 यानी कि 14। ठीक है, अब हमारे पास नंबर आ गया 14, हमारे पास नंबर आ गया 20, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम 14 और 11 को प्लस करेंगे तो 25, और 11 और 5 को प्लस करेंगे तो 16, और 5 और 10 को प्लस करेंगे तो 15 नंबर आएगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं अगला पैटर्न। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं क्या सीक्वेंस आएगा, 4 + 10 = 14, 10 + 5 = 15, 5 + 11 = 16, 11 + 14 = 25, 14 + 6 = 20, और 6 + 4 = 10। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए पैटर्न पूरे कीजिए, जो हमारे पैटर्न है वो पूरे करने हैं। अब इस पैटर्न में हमने क्या किया, ये ध्यान से देखेंगे। इस पैटर्न में हमने 12 से 18 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर्स जंप किए, 12 + 13 = 14 = 15 3 नंबर्स जंप करने के बाद हम फोर्थ नंबर पर पहुंच गए। ठीक है, तो इट मींस हम इनमें 4 नंबर अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। सेम यहां पर हुआ है, 16 + 4 = 20, 20 + 4 = 24, 20 + 24 + 4 = 28, है ना। हमारे पास लास्ट नंबर 28, अब इस 28 में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं, 28 + 4 कितना आएगा, 32, 32 + 4 = 36, 36 + 4 = 40, 40 + 4 = 44। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, अब हमारा है 11 + 20, 11 के बाद 23, 23 के बाद 34। तो इसमें क्या किया गया, इसमें हम माइनस करके देख लेते हैं, 23 - 12,
कितना डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। इट मीन्स सब में हमें 11 11 प्लस कर देना है। अब हमने 23 में 11 प्लस किया तो 34, 34 में 11 प्लस 45, 45 में 11 प्लस किया 56, 56 में जब हम 11 प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 76, यानी कि 67, है ना। अब 67 में 10 प्लस करेंगे तो 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं, 67 प्लस 11 78, है ना। अब 78 में हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 78 प्लस 11 कितना आएगा, बताइए बताइए, 89, है ना। और 89 में 11 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। नेक्स्ट सीक्वेंस, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद कितना हो गया, 10000। आपको इसमें 10000 के बाद एक जो जीरो है वो और बढ़ जाएगी। 10000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो है ना। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10000, तो बन जाएगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, यानी कि 5 जीरो लग जाएंगी। नेक्स्ट वाले में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, उससे नेक्स्ट वाले में 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट वाले में 8 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर है, यानी कि ये बन गया हमारा 1 लाख, 1 2 3 4 5 क्या 6, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 करोड़। समझ आया सीक्वेंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है 450, यानी कि 450, फिर हो गया 400, फिर हो गया 350, फिर हो गया 300। इसमें क्या कर रहे हैं, हम 50 माइनस करते जा रहे हैं। देखें कैसे, 450 माइनस 400 कितना डिफरेंस है, 50। फिर हमने किया 400 माइनस 50 350, 350 माइनस 50 300, 300 माइनस 50 250, 250, ठीक है। 250 माइनस 50 200, 200 माइनस 50 150, 150 माइनस 50 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिवर्स काउंटिंग की, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, 100 90 80 70, तो 60 50 40 30, ये मैंने अभी नंबर लिखने आपको बताया। अब हमने इसमें भी रिवर्स आ रहे हैं हम अल्फ़ाबेट में, जेड वाई एक्स डब्लू, और डब्लू से पहले क्या आता है हमारा वी, उससे पहले यू, उससे पहले हमारा टी, और टी से पहले आता है एस। तो ये हमारे पूरा पैटर्न बन गया। तो इसे कहते हैं पैटर्न, वो नंबर्स का भी हो सकता है, शेप्स का भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में एक पैटर्न फॉलो करना वो पैटर्न्स कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही है। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से बताइए कि हमने कुछ नया सीखा है, ओके। और इसी तरीके की वर्कशीट्स के लिए और स्टोरीज़ और पोएम वगैरह के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।